मैं चेक कर एक सेकंड। यस हेलो यस एम आई विजिबल हेलो वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल टुडे वी आर मेड लाइव टू डिस्कस समथिंग अबाउट दी यूपीएससी अमंग होल इंडिया लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रिपेरिंग फॉर दी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन सो नंबर ऑफ पीपल आर ज्वाइनिंग लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट माई सेल्फ प्रोफेसर नयन सोनी आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन द शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज एट भावनगर आई हैव पास्ड जीपीएससी क्लास टू अपियर फॉर द गेट इन माई एकेडमिक्स एंड आई हैव हैविंग अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 15 ईयर्स इन टीचिंग इन सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन ओके सो आई फील दिस मच इंट्रोडक्शन इज मोर देन इनफ आई हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज वन ऑफ दी मोटिवेशनल स्पीकर फॉर द डे यूपीएससी सो फार एज द एस्पिरेंट्स आर कंसर्न बहुत सारे लोगों को पता है कि यूपीएससी क्या होता है और एक ड्रीम होना चाहिए एक एक अपनी इच्छा होनी चाहिए कि हमको एक यूपीएससी क्लियर करना है आई वॉन्टेड टू बी एन आईएएस और आईपीएस सो थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो वी हैव टू सी द स्ट्रक्चर इन जनरल रिगार्डिंग द यूपीएससी तो वी आर हैविंग थ्री टायर्स फर्स्ट जो है अपना रहता है प्रीलिम्स का रहता है यू हैव टू पास द प्रीलिम्स देन यू हैव टू पास द मेंस एंड आफ्टर दैट यू आर हैविंग द इंटरव्यू जिसको लोग बोलते हैं पर्सनालिटी टेस्ट सो जो लोग यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं आईएएस प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन लोगों को ये सब चीज़ें पता है इवन यू पीपल नोज के प्रीलिम्स के अंदर आपको क्या कैसे प्रिपरेशन करना है क्या कैसे करना है यस और नो सो लेट अस चेक आउट दी कट ऑफ फॉर दी प्रीलिम्स मेंस एंड व्हाट यू कैन से इंटरव्यूज सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज बीन फाउंड दैट इफ यू आर क्रॉसिंग 60% इन ऑल थ्री यू विल बी एलिजिबल टू बी एन आईएएस और आईपीएस फाइन सो द थिंग इज ओवर हियर दैट हाउ टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स हाउ टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज दोस्तों आप लोगों ने बहुत सारे मोटिवेशनल और वीडियोस देखे होंगे कि जिसके अंदर द पीपल हु हैव ऑलरेडी क्लियर देयर एग्जामिनेशंस देयर आईएएस आईपीएस तो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी फील दैट इट्स नथिंग बट अ जर्नी व्हाट यू हैव टू ट्रैवल तो आपको ये आपका एक जर्नी है इट्स नॉट समथिंग कि भाई बस अचीव हो गया ऐसे ही नहीं है तो ये जर्नी क्या है
वेरी फर्स्ट वी हैव टू सी कि प्रीलिम एक प्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, वहां पे आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए। जहां पे मेंस का सवाल है तो मेंस के अंदर आपको 5 पेपर्स रहते हैं, 2 आपके ऑप्शनल रहते हैं, उसमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हो। और देन वी आर हैविंग दी पर्सनालिटी टेस्ट। सो ईच पेपर बेयर्स ऑलमोस्ट 250 मार्क्स एंड अल्टीमेटली योर पर्सनालिटी टेस्ट इज हैविंग 275 मार्क्स एंड यू आर गोइंग टू गेट योर स्कोर आउट ऑफ 2025 एंड दैट स्कोर विल डिफाइन वेदर आर यू गोइंग टू बी यूपीएससी और नॉट। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो जर्नी है उसमें कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे प्रिपरेशन हमको करनी है। तो फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू हैव इन योर माइंड कि मुझे यूपीएससी करना है कि नहीं करना है, मुझे यूपीएससी पास करनी है कि नहीं करनी है। तो यूपीएससी पास और यूपीएससी करने के लिए आपको एक विजन चाहिए, एक रीजन चाहिए, एक स्ट्रांग आपको बिलीफ चाहिए। बिकॉज इफ यू आर नॉट बिलीविंग यू कैन नेवर बी एबल टू अचीव योर गोल। तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू हैव इज यू नीड टू हैव दी अ स्ट्रांग रीजन टू गो फॉर यूपीएससी। ठीक है, तो व्हाट इज द प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर दी अपियरेंस, योर अपियरेंस इन दिस यूपीएससी? क्या क्राइटेरिया है? कोई भी एक्साइटेड बंदा यूपीएससी के लिए कर सकता है, यस और नो? सो बहुत सारी चीजें हैं, आपको मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, लेकिन वो मेहनत कोई एग्जाम के जैसे नहीं करनी है। बिकॉज यूपीएससी ऑल अबाउट दी एटीट्यूड, डेवलपमेंट ऑफ योर एटीट्यूड, राइट? आपको नॉलेज गेनिंग का एक कॉन्सेप्ट रखना पड़ेगा, तब जाके आप यूपीएससी पे फोकस कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया कि ये मेरा कोई ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन है, आई लेट मी प्रिपेयर, लेट मी कीप मगिंग अप, तो थोड़ा यहाँ से रट लिया, वहाँ से रट लिया, एंड इफ आई एम गोइंग टू अपियर फॉर दी यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो इट वॉन्ट वर्क, इट वॉन्ट वर्क, राइट? तो आप, इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी। आप जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, इतना बड़ा दरिया है, इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इतनी सारी चीजें हैं, तो अगर आपने कुछ रेट रेट में आप चले गए कि भाई कुछ भी कर लिया और लेट मी अप्लाई फॉर द यूपीएससी एंड लेट मी पास आउट, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपको थरोली करना है, बाय हार्ट करना है, क्योंकि द पीपल हु हैव अपियर फॉर द यूपीएससी दे आर हैविंग अ क्लियर कट एक्सपीरियंस इन देमसेल्फ। के जो लोग आपको, जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है, जो आपका प्रीलिम का है, जो आपका मेंस का है, उसमें जो कुछ भी चीजें आपको पूछी जा रही है, तो हर एक चीज में दे आर एक्सपेक्टिंग द डेप्थ। आप कितने डेप्थ से प्रिपरेशन कर रहे हो, कितना आपको इन डेप्थ नॉलेज है, कोई भी कंटेंट, कोई भी हो टॉपिक, कोई भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, राइट? लेकिन आप कितने सही मायने में वो चीज आपको आती है, राइट? तो वो बहुत बहुत एक्सपेक्टेड है। तो वो चीजें रटने से नहीं आती है, वो चीजें रटने से नहीं आती है। आपको जो कुछ भी करना है वो बाय हार्ट करना है, बाय हार्ट करना है, ठीक है? तो रही बात ये, और जब हम बात करते प्रीलिम्स की, मेंस की और फाइनल्स की, तो वेरी फर्स्ट यू हैव टू सी कि मेरे पास कितना टाइम बचा है, नंबर वन। नंबर टू, व्हाट इज माय कैपेबिलिटी? मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस दैट वी पीपल आर जस्ट कंपेयरिंग अवर सेल्फ विद द अदर्स कि भाई ये बंदा ने आईएएस किया, उसका उसने वीडियो बताया, उसने उसमें उसके उसका नॉलेज शेयरिंग किया, एक्सपीरियंस शेयरिंग किया, तो भाई वो उसका 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 जो है वो एक्सपीरियंस है, राइट? किसी और की घोड़ी पे चढ़ के आप नहीं जा सकते, आपको जाना है
अपने खुद के बलबूते पे जाना है, ठीक है। सो यू नीड टू टेक द एडवाइजेस फ्रॉम नंबर ऑफ पीपल, यू नीड टू सी नंबर ऑफ व्हाट यू कैन से एग्जाम्पल्स अमॉन्ग द सोसाइटी, लेकिन आपकी खुद की जर्नी आपको खुद को तय करनी है, माइंड इट, क्योंकि यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हु नोज योर सेल्फ बेटर, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, राइट, कहाँ पे आप बहुत सही हो। ऐसा होता है, सी राइट नाउ वी पीपल आर जस्ट डिस्कसिंग इन जनरल, कहीं पे ऐसा है कि मेरा मेरा एलिजिबिलिटी, मेरा जो एफिशिएंसी है कोई एक चीज में बहुत ज्यादा है, मेरा एफिशिएंसी है कोई एक चीज में बहुत कम है। तो अगर मेरा गोल एक ही है, मुझे यहीं पहुंचना है, तो अगर मैं देखूंगा कि मेरे को ये गोल पे पहुंचना है, दिस आर माई स्ट्रेंथ, दिस आर माई वीकनेस, देन आई हैव टू थिंक माई सेल्फ कि हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड अप, मुझे कहाँ पे ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे कम ध्यान देना है, राइट। एंड एज एंड वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, यू आर सपोज टू मेक अ माइक्रो लेवल प्लानिंग, यू आर सपोज टू बी हाईली डिफेंसिव फॉर योर गोल, यू आर सपोज टू वर्क वेरी वेरी हार्ड एज वेल एज स्मार्ट वर्क, डोंट डू द डोंकी वर्क, डोंट डू द डोंकी वर्क। योर अगर आप कोई भी चीज प्रेशर में करते हो तो कहीं पे काम नहीं आने वाली, वो कहीं पे बात बनने वाली नहीं है, आपको डोंकी वर्क नहीं करना है। यू आर सपोज टू डू दी व्हाट यू कैन से स्मार्ट वर्क, और आपको अपने खुद से लगाव करना है, आपको किसी को, समटाइम्स क्या होता है कि समटाइम्स आप प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं, सीख करने लगते हैं कि भाई ये तो ये कोचिंग में जा रहा है, वो कोचिंग में जा रहा है, ठीक है, बंदा दिल्ली जाके प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा क्या होगा, अच्छा ये पढ़ रहा है वो पढ़, अरे भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो डोंट गो इन दैट वे, राइट। सी राइट नाउ वी आर इन दी टेक्नोलॉजिकल व्हाट यू कैन से साउंड इरा, वेर एज नंबर ऑफ ऑप्शन आर अवेलेबल, नंबर्स ऑफ रिसोर्सिस आर अवेलेबल, तो आपको हर एक रिसोर्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है, ऑप्टिमली करना है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि भाई चलो मैं फेसबुक में देख लूँ, मैं व्हाट्सएप में देख लूँ, और मैं थोड़ा ये काम कर लूँ, थोड़ा वो काम कर लूँ, और बाद में जाके मैं यूपीएससी करता हूँ, 4 दिन किया 2 दिन नहीं किया, बराबर है, और देन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि भाई मेरा यूपीएससी में क्यों नहीं हो रहा है, तो बंदे कैसे होगा भाई, नहीं होगा, इट विल नेवर हैपनिंग, राइट। तो सबसे बड़ी चीज है आपका खुद का डेडिकेशन, आपका खुद का एक गोल जो आपको डे एंड नाइट आपको मेमोराइज करना है, डे एंड नाइट आपको देखना है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, करना है, करना है, एंड 101% करना है। तो बस ये एक चीज जरूरी नहीं है, उसके पीछे यस समवन इज राइटिंग, स्टार्टिंग नहीं मिलता, स्टार्टिंग नहीं मिलता, ओके, वी आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन विद इन 5 मिनट्स, 5-10 मिनट्स, बिकॉज इट इज मोर मोटिवेशनल देन इंस्ट्रक्शनल, बिकॉज आपके कितने सब्जेक्ट मेन्स में है, कितने सब्जेक्ट इसमें, ये सब आपको पता है, राइट, ये सब आपको पता है। हमको पता क्या नहीं है, हमको पता ये नहीं है कि हमको ये पूरी जो जर्नी है उसको तय कैसे करना है, हाउ वी वॉन्ट टू ट्रैवल दिस जर्नी, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप, तो सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज, सी आई हैड ऑल्सो गॉन थ्रू सम ऑफ दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, नॉट यूपीएससी बट सम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आई हैव बीन क्लियर, बट दैट टू विथ अ ग्रेट डिजायर, विथ अ ग्रेट बर्निंग डिजायर फ्रॉम माई हार्ट कि भाई नहीं ये चीज मुझे चाहिए, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था कि भाई मुझे कुछ भी करना है, जो कुछ भी मुझे करना पड़े आई एम गोइंग टू गो फॉर इट, ओके। दूसरी चीज, यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ओके, फाइंड द बेस्ट थिंग्स वॉट, या समवन इज राइटिंग सर यू स्पीक इन इंग्लिश, सो या आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इंग्लिश, इट्स नॉट समवेयर आई वॉज टोल्ड दैट सर यू बी देयर इन बोथ द मोड, इंग्लिश एंड हिंदी, एंड दैट्स वाई आई वॉज जस्ट कीपिंग कीप टॉकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, अदरवाइज आई एम हाईली कंफर्टेबल इन इंग्लिश, आई आई वॉन्ट माइंड एट ऑल, ओके। तो लेट अस कंटिन्यू,
The thing is, you need to have a strong desire, strong burning desire in yourself that I wanted to do something. I just wanted to do something. Okay. And for that, day and night, you are supposed to think. You are supposed to think how you are going to do it. And biggest stuff is the focus. That what happens that most of the time we people are preparing very well and managing, planning very well, and that too for few days. And if some obstacles comes in our some situation or situation comes in our routine or in our planning planned things, we are diverted, and that is the biggest what we can say problem for our success, because that makes a great difference. Because if you want to succeed in your this kind of competitive examination, you are supposed to highly focus without any excuses. So first success mantra, what I would like to say over here, that your absolute focus is required in your journey without any excuse. No excuse, nothing, nothing. मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को वो प्रॉब्लम है, मेरे को मूड नहीं आता है, मुझे मुझे समझ में नहीं आता है. भाई समझ में क्यों नहीं आता है? एवरीथिंग इज ओपन नाउ. एवरीबडी एवरीथिंग इज या समवन इज राइटिंग. सो एवरीथिंग इज ओपन, एवरीथिंग इज अवेलेबल. तो यू शुड बी हाईली फोकस्ड ऑन योर जॉब. दूसरी चीज, प्रिपेयरिंग फॉर दी मेन्स एंड वॉट यू कैन से इंटरव्यू. तो आपको इंटरव्यू इंटरव्यू में वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो समटाइम्स फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द सक्सेसफुल यूपीएससी कैंडिडेट्स, इट हैज बीन फाउंड दैट इन द इंटरव्यू दे आर चेकिंग योर मेंटल अलर्टनेस, कि भाई आप मेंटली कितने अलर्ट हो. बिकॉज वॉट एवर काइंड ऑफ क्वेश्चन विच विल बी थ्रोन टू यू इरिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमेन नॉलेज डोमेन, दैट वॉट माइट हैव यू प्रिपेयर्ड, राइट? सो एनीथिंग दे मे आस्क सडनली, एंड दे आर गोइंग टू चेक योर मेंटल अलर्टनेस, दैट हाउ यू आर मेंटली वेरी अलर्ट टू जस्ट रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन, राइट? सेकेंड थिंग इज क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन. सो हाउ यू आर कंपाइलिंग एंड कंपाइलिंग द थिंग्स वाइल गिविंग योर आंसर्स, राइट? कैसे सब इकट्ठा करके आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को, ठीक? देन क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन. व्हाट डज इट मीन? कि आपका जो आंसरिंग कर रहे हो वो आंसरिंग होना चाहिए एकदम क्लियर. जो कुछ भी बोलना है बहुत ब्ला ब्ला नहीं करना है आपको. जो जो चीज पूछी जा रही है उसकी पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कट एवरीथिंग लॉजिकल आपको आंसर देना है, ठीक है? सो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू. देन बैलेंस ऑफ जजमेंट. समटाइम्स सम ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क, राइट? सम ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क कि आपको जजमेंटल आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो यू आर सपोज टू चेक वेदर आर यू जजमेंटल और नॉट, एंड योर जजमेंट इज बैलेंस्ड और नॉट, राइट? देन दे आर गोइंग टू चेक द वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, राइट? तो आपको कितने सब्जेक्ट्स में कितनी वेराइटी है, आपका नॉलेज कितना वेरिएबल है, राइट? और कोई भी चीज में आपका कितना कितनी डेप्थ तक आपका नॉलेज है, राइट? तो दैट इज देयर एबिलिटी ऑफ सोशल कोहेजन. आप लोग को सोशल कोहेजन में आपका कितना आपका यू आर हाउ मच यू आर एबल टू हैव कोहेजन विद द सोशल इश्यूज, के आपको समाज के साथ ही काम करना है तो आप कितने उससे जुड़े हुए हो, आपको कितना उससे लगाव है, आप कितना उसके बारे में जानते हो. सो दैट इज वन थिंग, राइट? देन योर इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी. ये सी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटीग्रेटेड पैरामीटर व्हाट इज बीइंग चेक इन द इंटरव्यू, के भाई आपका मॉरल इंटीग्रिटी क्या है, राइट? बिकॉज हियर द मॉरल वैल्यूज हाउ मच यू आर हैविंग, ये दे आर गोइंग टू चेक इट आउट, ठीक है? समटाइम्स थ्रू सीसीटीवी कैमरा
एज एंड वेन यू आर आस्क्ड टू फेस फॉर द इंटरव्यू, यू आर सपोज टू वेट इन अ लॉन्च, राइट? एंड थ्रू द सीसीटीवी कैमरा दे आर गोइंग टू चेक योर बॉडी लैंग्वेज, दैट आर यू नर्वस, आर यू जस्ट ईटिंग योर नेल्स और वट एवर, राइट? वट इज योर बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ इन दी इन फ्रंट ऑफ दी पैनल, राइट? सो नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर. सो वॉट आई विल से, वाइल गोइंग थ्रू दिस जर्नी, द फर्स्ट थिंग इज योर वॉट यू कैन से प्रिपरेशन, दैट योर मेंटल एटीट्यूड विल डिफाइन दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, राइट? एंड देन योर वॉट यू कैन से अटेम्प्ट. या वन थिंग इज लेफ्ट ओवर हियर जस्ट टू डिस्कस, एंड दैट इज वॉट इज द स्पीड, स्पीड रिदम, दिज ऑल आर दी इंटीग्रेटेड सक्सेसफुल वॉट यू कैन से मंत्र फॉर दी सक्सेसफुल दिस थिंग. सो स्पीड मैटर्स अ लॉट इन द लाइफ, स्पीड मैटर्स अ लॉट इन द लाइफ, माइंड माई वर्ड्स, बिकॉज इफ यू आर डिलेइंग समथिंग, दैट मीन्स सिंपली सिंपली यू आर गिविंग चांसेस टू अदर्स टू वॉट यू कैन से ओवररूल योर सेल्फ, फाइन? सो यू आर सपोज टू बी वेरी फास्ट फॉर दी गोल्स वॉट वी आर हैविंग इन योर लाइफ, कंसिस्टेंट वर्किंग, कंसिस्टेंट वर्किंग इज एक्सपेक्टेड, यू आर सपोज टू वर्क कंसिस्टेंटली विदाउट एनी ब्रेक, यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ वॉट यू कैन से जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, राइट? सो इरिस्पेक्टिव ऑफ न्यूज़पेपर, आइदर यू मे गो फॉर हिंदू, यू मे गो फॉर इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, नो मैटर, बट यस, यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दी करंट अफेयर्स विच इज गोइंग ऑन नियर एंड अराउंड यू, योर लोकैलिटी, योर स्टेट एंड इंडिया एंड ग्लोबली, राइट? यू मस्ट बी अवेयर दैट वॉट इज हैपनिंग नियर एंड अराउंड. सो दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इन डेप्थ दे मे आस्क यू, एंड समटाइम्स वॉट पीपल आर डूइंग दैट वाइल प्रिपेयरिंग फॉर सच काइंड ऑफ करंट अफेयर्स, पीपल आर प्रिपेयरिंग गोइंग फॉर एवरी डे फॉर 2-3 आवर्स फॉर रीडिंग आउट दिस काइंड ऑफ स्टफ्स. इंस्टेड ऑफ दैट वॉट इज एक्सपेक्टेड दैट सम पीपल आर जस्ट कंबाइनिंग ऑल दिस करंट अफेयर्स इन अ मंथली वॉट यू कैन से बुलेटिन. सो बेटर यू डोंट वेस्ट योर टाइम इन रीडिंग द काइंड ऑफ स्टफ्स एंड ट्राई टू फोकस द सेम एवरी मंथ, रिकलेक्ट द सेम, एंड बेटर इंस्टेड ऑफ रीडिंग डेली नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स एंड जस्ट डंपिंग द काइंड ऑफ वॉट यू कैन से स्टफ्स इन द माइंड, मेकिंग द नोट्स एंड ऑल, बेटर यू आर इफ यू आर रेडली वॉट यू कैन से इफ दी मंथली डाइजेस्ट इज रेडिली अवेलेबल टू यू, यू यू हैव टू यूज इट, सिंपल. वाई टू डू फॉर द डोंकी वर्क, वाई टू मेक सम स्पेशल नोट्स फॉर द वॉट यू कैन से करंट अफेयर्स, आर यू गेटिंग मी और नॉट? सो देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बट या एंड अलाइन विथ ऑल दिस थिंग्स, द बिगेस्ट स्टफ इज दी योर डिफेंसिवनेस, राइट? नो वेयर यू विल बी थिंकिंग, यू विल बी वॉट यू कैन से स्पीकिंग लाइक ओके मूड नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, सो इट वॉन्ट वर्क, राइट? इट नेवर वर्क. आपको डिफेंसिव काम करना है, डे एंड नाइट यू टू थिंक यू आर गोइंग टू बी दिस थिंग. एंड सबसे बड़ी चीज के इफ यू गो टू बिहार, इफ यू गो टू यूपी, सो यूपीएससी एंड दिस ऑल थिंग्स इज वॉट यू कैन से वेरी कॉमन. दी स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड इटसेल्फ दैट ओके यू आर गोइंग टू बी ए यूपी आईएएस ऑफिसर, और यू आर गोइंग टू बी ए वॉट यू कैन से आईपीएस ऑफिसर और वॉट एवर, राइट? बट इन गुजरात वी डोंट हैव दैट कल्चर, बिकॉज वी पीपल आर ऑलमोस्ट एज गुड एज यू नो बनिया कल्चर. हियर इंस्टेड ऑफ आस्किंग द पीपल दैट फॉर विच एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग, पीपल आर मोर यूज टू आस्क दैट हाउ मच यू आर गोइंग टू अर्न आफ्टर योर ग्रेजुएशन,
राइट, ही एज बीइंग गुजराती वी पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन मनी, राइट, तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ व्हाट यू कैन से अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस यूपीएससी एंड ऑल. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आई अर्ज यू ऑल दैट यस, दिस इज वेरी राइट टाइम, राइट प्लेस, वेर एज यू कैन अप्लाई फॉर द यूपीएससी, यू कैन प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी, नथिंग रॉन्ग इन दैट. ओके, वन मोर थिंग. राइट नाउ नंबर ऑफ पीपल हैव ज्वाइन दिस वेबिनार, दिस लाइव सेशन. यू ऑल आर माइट बी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट व्हाट यू कैन से फैकल्टीज. सम ऑफ यू माइट बी फ्रॉम इंजीनियरिंग, सम ऑफ यू माइट बी फ्रॉम कॉमर्स, सम ऑफ यू माइट बी फ्रॉम आर्ट्स, साइंस एंड सो ऑन. सो यूपीएससी गिव्स एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच एंड एवरी वन, राइट. एंड या बिफोर आई फॉरगेट, लेट मी एडवाइज वन थिंग ओवर हियर, दैट इन गुजरात वी आर हैविंग दी स्पीपा, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ दिस, इसको बोलते हैं स्पीपा फॉर आईएएस, राइट. तो दे आर गाइडिंग द स्टूडेंट्स, दे आर मोटिवेटिंग द स्टूडेंट, दे आर प्रोवाइडिंग दी प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स हु आर व्हाट यू कैन सीरियसली प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी एंड एग्जामिनेशन, राइट. सो यू पीपल शुड व्हाट यू कैन से गो थ्रू द वेबसाइट्स ऑफ द स्पीपा, यू कैन सर्च फॉर देम एंड यू कैन आई थिंक दे आर ऑल्सो टेकिंग द एग्जामिनेशन एंड देन व्हाट यू कैन से व्हाट यू कैन से दे आर गिविंग यू द प्लेटफॉर्म, वेर एज यू कैन ज्वाइन देम बाई फॉलोइंग इन मेरिट लिस्ट, राइट. तो आप स्पीपा पे सर्च कर सकते हैं. स्पीपा का एक शेड्यूल रहता है, एक स्पेसिफिक टाइम में वो लोग एक एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं. वहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट होता है, उसके हिसाब से कुछ फीस बननी होती है, बाकी बहुत सारा फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक जो है आपको जो जो आपको प्रिपरेशन करवाते हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से करवाते हैं, इट्स वेरी गुड. तो इन गुजरात वी आर हैविंग दिस स्पेशल फैसिलिटी, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस इनिशिएटिव टू प्रमोट दी अवेयरनेस इन द यूपीएससी एस्पिरेंट्स. सो यू ऑल शुड गो फॉर इट, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है. तो ये एक चीज था. और देन नथिंग एल्स, बिना आग के कुछ नहीं होने वाला, वो तो पक्का है. आपको आग लगानी पड़ेगी, अगर आग आप नहीं लगाओगे तो ये चीज़ नहीं होने वाली. अगर आपने सोच लिया कि भाई मेरे को 1 साल में या 2 साल में मेरे को करना है, फिर थोड़ा टाइम हुआ फिर आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ आ रही है कि भाई वी आर कमिंग डाउन अप एंड दिस एंड दैट. दूसरी चीज़, कहीं कहीं ना आपको यहाँ पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सर कहाँ से स्टार्ट करना. सो इफ योर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, गोल्स एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड एंड क्लियर, यू शुड स्टार्ट इट, स्टार्ट थिंकिंग जस्ट आफ्टर योर स्कूलिंग, बिकॉज आफ्टर स्कूलिंग इटसेल्फ इट इज टोटली वास्ट इनफ कि भाई आपको आपका जो बेसिक थिंग इज योर इंटरेस्ट. आर यू व्हाट यू कैन से इंटरेस्टेड इन कॉमर्स लाइन, आर यू इंटरेस्टेड इन आर्ट्स लाइन, आर यू इंटरेस्टेड इन पुलिस, आर यू इंटरेस्टेड इन इंजीनियरिंग, अकॉर्डिंगली यू शुड सिलेक्ट वेरी फर्स्ट योर स्ट्रीम, वेदर टू गो फॉर कॉमर्स, वेदर टू गो फॉर आर्ट्स, वेदर टू गो फॉर व्हाट कैन से इंजीनियरिंग, एंड देन ऑन विद द सेम लाइन ऑफ एक्शन यू आर सपोज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन, राइट. एंड इफ यू गो थ्रू द लिटरेचर, लार्ज वेराइटी ऑफ वट यू कैन से सब्जेक्ट्स एंड देयर डिटेल सिलेबस एंड एवरीथिंग इज गिवन, एंड साइमल्टेनियसली यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग्स. ओके, आफ्टर ग्रेजुएशन वाइल यू आर हैविंग दी इन द मेन्स, वाइल यू आर हैविंग दी ऑप्शंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, सो इफ यू गो थ्रू द यूपीएससी सिलेबस एंड ऑल, यू विल फाइंड, वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर अवेलेबल, विच यू कैन टेक ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल दी फैकल्टीज, ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल दी फैकल्टीज. इट मीन्स द सब्जेक्ट्स मे बी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन द सब्जेक्ट्स आर आपका जो है
इंजीनियरिंग से हो सकता है, इसमें सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, फिर मैथ्स से हो सकता है, तो मैथ्स में भी आप मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, राइट, कॉमर्स के साइड के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज कर सकते हो, फिर आर्ट्स के है, जूलॉजी है, बॉटनी है, बहुत सारे बहुत सारे, देर आर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, सो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट. सो समटाइम्स पीपल आर आस्किंग मी, सर कौन सा सब्जेक्ट लेंगे तो बहुत ज्यादा मार्क आ जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा स्कोर. नो नो, डोंट गो फॉर इट, डोंट गो फॉर इट. मैंने सबसे पहले आपको बताया है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ यू आर जस्ट फोकसिंग योर सेल्फ इन दी नंबर गेम, कि भाई मेरे को नंबर लाने हैं, नंबर लाने हैं, यू वॉन्ट बी एबल टू क्रैक यूपीएससी एट ऑल. ओके, एंड आई हैव वन वन ऑफ माई पर्सनल एडवाइस फॉर दी एस्पिरेंट्स हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी, के भाई जो जो बच्चे इंजीनियरिंग से बिलोंग्स करते हैं, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ब्रांच, दे शुड टेस्ट देम सेल्फ वेरी फर्स्ट बाय अपेयरिंग इन गेट फर्स्ट. इफ यू आर इन इंजीनियरिंग, इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IES, यू आर सपोज टू टेस्ट योर सेल्फ फॉर गेट फर्स्ट, दैट इफ यू आर सीरियस इनफ देन यू प्रिपेयर फॉर द गेट एंड ट्राई टू सी वॉट इज योर रैंक. इफ योर रैंक अमॉन्ग इंडिया कम बिटवीन 1 to 100, बी श्योर दैट यू आर अ राइट कैंडिडेट टू गो फॉर UPSC. सिंपली सिंपली इट 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 वॉट यू कैन से एश्योर्स एश्योर्स योर गारंटी दैट यस, इफ यू आर सीरियस इनफ इन गेट मीन्स यू आर हैविंग अ ब्राइट फ्यूचर फॉर क्रैकिंग दी UPSC. ओके, सो दैट्स ऑल वॉज फ्रॉम माई साइड. या नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर अवेलेबल, मोस्ट ऑफ देम आर द फेमस और वॉट यू कैन से वेल नोन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आर एट सूरत, सॉरी दिल्ली. तो दिल्ली में आप देखो तो इलाइट IAS एकेडमी करके है, चहल करके है, वाजीराम इज वन ऑफ व्हाट यू कैन से गुड व्हाट यू कैन से इंस्टीट्यूट, प्लूटस IAS एकेडमी इज देयर, विजन इंडिया इज देयर, बहुत सारे ए लार्ज लिस्ट ऑफ व्हाट यू कैन से दिस थिंग्स आर देयर. सो विद दिस आई एम कंक्लूडिंग माई सेल्फ ओवर हियर. सो लेट अस हैव फ्यू क्वेश्चन एंड आंसर. सो फ्रॉम दी ऑडियंस, राइट, अब थोड़े क्वेश्चंस मैं आपके एड्रेस करूंगा, लेट मी एड्रेस सम क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम द चैट बॉक्स. सी इफ यू वॉन्ट इंटरेक्ट, यू मे आस्क. कोचिंग सेंटर समवन इज राइटिंग, या इवन इफ यू डोंट अपियर फॉर द गेट ऑल्सो वी कैन क्रैक UPSC. या दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, यू कैन, यू कैन. पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें? सो आई फील देर इज नो स्पेसिफिक टाइम टू स्टार्ट पढ़ाई. आपको जहां पे ऐसे दिल में लग रहा है कि मेरे को UPSC करना है, यू आर सपोज टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट. या समवन इज राइटिंग, हिमांशु गुप्ता मे आस्क क्वेश्चन. सो नंबर सिलेबस, समवन इज राइटिंग सिलेबस, या सिलेबस इज रेडीली अवेलेबल. समवन इज राइटिंग सर, सर हाउ टू बी स्पेशल इन दिस लीडिंग. सर आई इज ऑलवेज अ पेशन, या विदाउट कोचिंग कैन वी प्रिपेयर फॉर UPSC? यस ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बट यस
While going for the coaching, you are securing your what you can say chances, securing your chances. If you are not good in our core subjects, what can I do and how can I prepare for UPSC? There is one question from Yadav. So only the solution is you are supposed to make it sound. There is no other any other option. आप जहीं से आपका जहां पे आपका प्रॉब्लम्स है वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. देर इज नो एस्केप आउट ऑफ दैट. आपको एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करना ही है. आपको जो जो सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हो आपको करना है. राइट सर, इज इट पॉसिबल टू क्रैक इट विथ जॉब? या वेरी गुड क्वेश्चन. यस इट इज पॉसिबल टू क्रैक इट विथ जॉब बिकॉज इट्स ऑल अबाउट दी एटीट्यूड व्हाट यू हैव इन योर माइंड. सो ओनली द थिंग इज हाउ मच यू आर डेडिकेटेड फॉर योर या समवन इज आस्किंग दैट सर गुजरात में बेस्ट कोचिंग कौन सा है सर, हाउ टू कम्पीट विथ कॉम्पिटिशन. सर कॉम्पिटिशन सी वंस अगेन आई वुड लाइक टू से ओवर हियर कि भाई कॉम्पिटिशन तो रहेगा ही रहेगा. तो कॉम्पिटिशन को आप छोड़ दो. यू ट्राई टू कम्पीट योर सेल्फ, फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड. एनसीईआरटी कोर्स पूरा पढ़ना है सर, बेस्ट इंपोर्टेंस. बस ये कॉमन है, आपको करना ही पड़ेगा. राइट सिविल इंजीनियरिंग, इफ यू आर बिलोंग्स टू सिविल इंजीनियरिंग एंड इफ यू आर व्हाट यू कैन से आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो और आपका फेवरेट सब्जेक्ट है तो आप कर सकते हैं. हिंदी और इंग्लिश मीडियम कौन सा चूज करो? तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तो यू हैव टू सी सी लैंग्वेज इज नॉट बार एट ऑल इन दी यूपीएससी. आप कोई भी लैंग्वेज में आप कर सकते हो, लेकिन एक चीज है, आप जो लैंग्वेज में आप करते हो वो आपका ये होना चाहिए. आप दोनों चीज प्रिपेयर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो. कर तो सकते हैं लेकिन इट इज गोइंग टू बी टफ बिकॉज यू नीड टू हैव द डेडिकेटेड टाइम फॉर द यूपीएससी. सर सर बाल्ब स्टूडेंट BA LLB. हाँ क्यों नहीं कर सकते, एवरीबडी कैन अप्लाई, नथिंग रॉन्ग इन दैट. आईएएस का प्रिपरेशन करने में कितना रुपीज लगेगा? तो उनका कुछ फीस रहता है और अगर आप उसका फॉर दैट यू विल हैव फायर इनसाइड. सर माय क्वेश्चन टू यू इज हाउ कैन वी कीप दैट फायर कंटिन्यूअस इनसाइड अस एंड कीप अवे अस फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन. या सी अगर आपका फायर पूरा है, अगर आप पूरे के पूरे डेडिकेटेड हो कि आपको कैसे काम करना है आपका, सी देर मस्ट नॉट बी एनी डेविएशन. आपको 24/7 आपको 24/7 आपको यूपीएससी दिखना चाहिए कि भाई मुझे मैंने सबसे आप मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले आप दिमाग से सोचो कि मुझे करना है कि नहीं करना है. अगर आपके दिमाग में 0.5% भी ऐसा सोच आ रहा है कि मैं डाउटफुल हूँ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अगर नहीं कर पाऊंगा कि भी एक थोड़ी सी भी चीज़ आपके दिमाग में आ गई तो आप छोड़ दो भाई, नहीं होगा आपसे. राइट अगर आप फोकस्ड है तो देर इज नो एनी क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रैक्शन. या डिस्ट्रैक्शन विल बी देयर बट इट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि ये जो डिस्ट्रेक्शन है वो डिस्ट्रेक्शन टेम्पोरल है. राइट वो आप दिमाग में प्रोग्राम ही कर दो कि कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है. राइट डिस्ट्रेक्शन को आपको जल्दी से ओवरकम करना है और आपको कंसिस्टेंटली आपको दिमाग को पूछना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे को नहीं करना है, यही चीज मुझको करनी है. या समवन इज राइटिंग आई एम फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड सो हाउ टू स्टार्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन फ्रॉम राइट नाउ. आप कर सकते हैं राइट, लेकिन यू हैव टू डेवलप द इंटरेस्ट. सबसे पहले आप सर्वे करना स्टार्ट कीजिए कि यूपीएससी में एग्जैक्टली क्या सिस्टम है, कौन प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट्स है और उसमें से आपके इंटरेस्ट का कितना है. सबसे पहले चीज आपको क्या उसको प्यार करना पड़ेगा. राइट सो टेक इट इन इजी. लेकिन अगर आपको कोई चीज बाय फोर्स कर रहे हो तो थोड़ा नहीं देगा. सर कोचिंग कब ओपन होगी यूपीएससी की दिल्ली में?
So for that, I would like to request you to refer some of the renowned, what you can say, coaching institutes. They are already there. Science subjects, hey sir, please tell me. So science subjects आपका है, बहुत अच्छी बात है. यू कैन गो फॉर विथ योर सब्जेक्ट्स, ट्राई टू फाइंड आउट विच शूट्स द बेस्ट फॉर यू. समबडी इज राइटिंग, कोई सा भी नहीं, सब बेकार है, अपनी स्टडी करो बस. दिस इज वेरी गुड व्हाट आई फाउंड, कि अगर नहीं होना है तो फिर उसको जाने दो, पर पढ़ाई करो. या प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू क्रैक इंटरव्यू. सी, इंटरव्यू के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी, और प्रिपरेशन के लिए दो चीज़ वो लोग देखते हैं. एक आपका नॉलेज देखते हैं, आपका एक्सप्रेशन देखते हैं, आपका एटीट्यूड देखते हैं. द बेस्ट, दीज आर द थिंग्स, कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी चीज, योर कैपेसिटी टू टेक पियर प्रेशर. आप लोग कितना प्रेशर ले सकते हो. समवन इज राइटिंग, सर हमको इंग्लिश बोलना है, तो बोलो ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम, राइट? यू कैन, यू शुड स्टार्ट स्पीक इन इंग्लिश. सी, आई हैड माई स्कूलिंग इन गुजराती अप टू 10th, एंड देन थोड़ा चालू हो गया इंग्लिश विंग्लिश, ठीक है? तो वेरी फर्स्ट थिंग, आप भूल जाओ कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है. इट जस्ट मैटर ऑफ प्रैक्टिस व्हाट यू हैव टू, व्हाट कैन से, एक प्रैक्टिस करने की चीज़ है. जियोग्राफी और हिस्ट्री बोथ सब्जेक्ट, समवन इज राइटिंग, राइट? ओके, समवन इज राइटिंग, सर माई हिंदी में प्रिपेयर कर रहा हूँ. वेरी गुड, नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू कैन गो फॉर इट. सर कोचिंग कब ओपन होंगी यूपीएससी दिल्ली में? समवन इज कीप आस्किंग मी, सर कोचिंग कब शुरू होगी? तो आई फील आई ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन. दी काइंड ऑफ स्टफ्स इज रेडिली अवेलेबल, यू जस्ट गूगल इट, बिकॉज दिल्ली में जनरली जो उसका जो एक एक साइकिल खत्म हो जाता है, उसके बाद ही वो लोग स्टार्ट करते हैं, और बैचेज आर गोइंग ऑन. सो यू कैन रिफर एंड इंक्वायर. थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है. सी, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, कि भाई कोचिंग तो 50 पड़े हैं, लेकिन वो 50 में से भी आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से कोचिंग में जाना है, बिकॉज देयर व्हाट यू कैन से ट्रैक रिकॉर्ड, कि भाई कितने कितने क्या उसको बोलते हैं, लास्ट कितने सालों में कितने आईपीएस आईएएस उन लोगों ने जनरेट किए हैं, राइट? मैं सोशियोलॉजी ऑनर्स से हूँ, मैं यूपीएससी कर सकता हूँ. आप क्यों नहीं कर सकते? आपको आपको बस विलिंग करना है कि यस मैं कर सकता हूँ, एंड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी आर कंपल्सरी टू प्रिपेयर इट, यस यू आर सपोज टू गो फॉर इट. समवन इज आस्किंग, या हाउ मच अवर्स वी हैव टू स्टडी. सी, एक्चुअली दैट डिपेंड्स अपॉन योर कैपेबिलिटी, दैट हाउ मच यू कैन स्ट्रेन योर सेल्फ, राइट? एंड हाउ मच बर्निंग डिजायर यू हैव इन अमॉन्ग योर सेल्फ. लोग बोलते हैं शुरुआत कीजिए आप 5 घंटे से, 6 घंटे से, 7 घंटे से, 10 घंटे से, और यू कैन अचीव द हाइट्स अप टू 14 to 15 hours a day, 14 to 15 hours a day. लास्ट के जो 3-4 महीने जो रहते हैं, उसमें आपको आई पर्सनली एडवाइस कि आपको 14 से 15 घंटे, आप समझ लीजिए कि दिन में इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रूटीन एक्टिविटी, ऑलमोस्ट रिमेनिंग ऑल टाइम ऑफ योर डे यू आर गोइंग टू स्पेंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी. ये एक माइंडसेट होना चाहिए, एक एक दिल में आग होनी चाहिए, और उसके हिसाब से आपको करना चाहिए, ठीक है? सर विच बुक्स आर बेस्ट यूपीसी प्रिपरेशन, मीन्स विच क्लास ऑफ एनसीईआरटी बुक्स वी हैव टू डू. सो रेफरेंस मटेरियल्स आर रेडीली अवेलेबल. समवन इज राइटिंग, सर अब की बार इंशाल्लाह फौजी बनना है पक्का.
So I would like to wish you all the best. अगर आपके इरादे पक्के हैं तो यू कैन यू विल बी गोइंग टू बी अ फौजी. नो वन कैन रिस्ट्रिक्ट यू. सो फॉर द पॉलिटी आई विश टू एडवाइज यू टू गो फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. यू मे हैव द डिटेल स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव द आइडिया अबाउट द इंडियन पॉलिटी. समवन इज राइटिंग, आई एम एथिकल हैकर, शैल आई गो फॉर केमिस्ट्री और सी एस, या दैट यू हैव टू डिसाइड. क्वेश्चन ये है कि 5 मंथ्स में यूपीएससी प्रीलिम्स कर सकते हैं, प्लीज सर रिप्लाई. सर माई सेल्फ आई सत्यम ऑफिशियल इज देयर. सर माई सेल्फ रविंद्र मिश्रा, और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कि 5 मंथ्स में यूपीएससी प्रीलिम्स निकल सकते हैं, प्लीज सर रिप्लाई. सो इट्स बिट टफ बट नॉट इम्पॉसिबल. ओनली द थिंग इज यू हैव टू डेडिकेटेडली वर्क फॉर इट. आई स्टार्ट द प्रिपरेशन, यस इट्स वेरी बेस्ट टाइम, यू आर इन द फाइनल ईयर ऑफ बी ए, यू शुड स्टार्ट अप विद दैट. सर विच आर द कैरेक्टर ट्रेड्स शुड नॉट बी प्रेजेंट इन आई एस एस्पिरेंट. विच आर द कैरेक्टर ट्रेड्स विच शुड नॉट बी प्रेजेंट इन आई एस एस्पिरेंट्स. दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन. वॉट आई फील पर्सनली दैट वॉज बीन आस्क्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. जस्ट जू. ओके, तो इसमें लिखा है कि भाई एक एक आईएएस एस्पिरेंट है, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए. तो मैं पहले बताऊंगा कि क्या क्या होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या नहीं होना चाहिए. तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो एटीट्यूड है, तो योर ब्रॉड विजन इज एक्सपेक्टेड इन आईएएस, कि आप चीज़ों को बहुत सही मायने में आप उसको बहुत सही मायने में एनालिसिस कर सको, जस्टिफाई कर सको. आप पीयर प्रेशर बेयर करने में कैपेबल होने चाहिए, राइट. और यू मस्ट बी वेरी वेरी ओपन ओपन माइंडेड, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ, यू मस्ट बी नॉलेजेबल. आपको सही मायने में नॉलेज होने चाहिए, आपको चीज़ों के सही मायने पता होने चाहिए, राइट. यू मस्ट नॉट बी एंगर, आपको आपका लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो यू कैन नॉट गो फॉर, राइट. यू हैड बी यू शुड बी वेरी वेरी प्रोफेशनल वाइल प्रिपेयरिंग, मीन्स वाइल यू आर गोइंग टू बी एन आईएएस और आईपीएस, व्हाट यू कैन से ऑफिसर. तो वो कैरेक्टर बिल्डिंग आप में होना ही चाहिए, राइट. आपको चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए, यू मस्ट नॉट बी टाइम वेस्टिंग पर्सन. और सब लोगों को इतना ज़्यादा आप एंटरटेन नहीं करने चाहिए, ठीक है. जिस जिस चीज़ को जितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम आप दीजिए. समवन इज राइटिंग सर पर्सनली भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट अभी से करें क्या? यस यस व्हाई नॉट. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ स्पेशल नहीं होता है, आपको खुद को धीरे 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 अपने आप को फ्रेम आउट करना पड़ता है. समन इज राइटिंग पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक्स बेटर रहेगी, या लक्ष्मीकांत इज वेरी पॉपुलर दिस थिंग, बट राइट नाउ नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज द लिटरेचर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिटरेचर इज अवेलेबल टू यू. यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा सूट करता है. ओनली द थिंग इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द पब्लिशर, नॉलेज मैटर्स, दैट व्हाट एग्जैक्टली यू नो. सर आई वांट टू बी एन आईएएस, विश यू ऑल द बेस्ट. हिंदी मीडियम के करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ू सर? करंट अफेयर्स के लिए आपको जो न्यूज़पेपर्स है उसी को आपको रिलाय रहना पड़ेगा. हिंदी न्यूज़पेपर्स जो रहती है, आपके रेगुलर क्विज क्विज करती हूँ. आप
सर पर्सनल डेवलपमेंट करने सकते हैं क्या? ये समवन इज राइटिंग अगेन एंड अगेन, या ये मराठी में दे सकते हैं, नो इश्यू, या समवन इज राइटिंग गुजराती बोलो ना सर, तो गुजराती में तो बोल सकते हैं, उसमें कोई, हम पोते गुजराती छू, बाजीराम इज वन ऑफ द गुड व्हाट यू कैन से इंस्टीट्यूट, नेक्स्ट आई एस देयर, मैंने बहुत सारे थोड़े होमवर्क करके, विजन इंडिया इज देयर, बट सी इंस्टीट्यूट आप कोई भी ले लो, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है आपका खुद का इनपुट, आप उससे भी अच्छे ने, क्योंकि हर एक बंदा अपने अपनी अपनी दुकान लेके बैठा है, राइट, लेकिन ईच एंड एवरीबडी इज नॉट प्रोड्यूसिंग ऑल दी आईपीएस एंड आईएएस एंड यूपीएससी, राइट, आपको खुद का ही आपको करना पड़ेगा, राइट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सर इज 3 ईयर ऑफ बी एस सी विथ माई स्ट्रीम इज इनफ फॉर कोचिंग यूपीएससी और वी नीड टू मोर ईयर्स फॉर प्रिपेयरिंग यूपीएससी सर, प्लीज टेल मी. यूपीएससी का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बाय हार्ट, जो आपका अल्टीमेट गोल है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर लिया, यू हैव अपियर फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अनफॉर्चुनेटली यू आर अनेबल टू सक्सीड इट, कोई बात नहीं, आपने अपनी गलतियां निकाली, आपने तो देखा कि मेरे को क्या जरूर था, मैंने किया नहीं किया. समवन इज राइटिंग सर योर नेम प्लीज, माई नेम इज सोनी नयन कुमार प्रवीण चंद्र, प्रोफेसर एन पी सोनी इज माई नेम, तो लोगों ने आपने किया, दूसरी बार आपने स्टार्ट किया, दूसरी बार आपने किया, अगर आप वंस अगेन अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन, तीसरी बार आपने किया, थर्ड टाइम ऑल्सो यू आर नॉट क्रैकिंग योर यूपीएससी, तो उसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग? इट मीन्स दैट वी आर नॉट इम्प्रूव्ड, यू आर नॉट इम्प्रूव्ड, राइट, क्योंकि एक बार करने से नहीं हो रहा है, दूसरी बार करने से नहीं हो रहा है, तीसरी बार करने से नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी आर रिपीटिंग द मिस्टेक्स अगेंस्ट एंड अगेंस्ट, राइट, सो द मोस्ट ऑप्टिमल टाइम इज 3 ईयर्स अकॉर्डिंग टू मी, इट्स माई पर्सनल परव्यू, कि अगर 3 साल तक आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि इट्स नन ऑफ द कप ऑफ योर टी, देन यू शुड क्विट, यू शुड क्विट. आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू गाइज, बट यस, इन ईच एंड एवरीबडीज लाइफ टाइम फैक्टर्स इज ऑल्सो मैटर्स अलॉट और अदरवाइज, क्योंकि सी एक दो उसमें तो ठीक है, लेकिन अगर तीन तीन चार चार अटेम्प्ट में भी आपका नहीं हो रहा है, तो आपको समझना जरूरी है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गलती है जो आप सुधार नहीं रहे हो, तो आपको करना है. सर हाउ वी कैन रिमूव हेजिटेशन एंड हैव कॉन्फिडेंट? द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई एम रिमेम्बरिंग इज समथिंग इनसाइड मी, इट्स गो इजीली, बट व्हेन आई रिप्रेजेंट इट फिजिकली टू सम, आई स्टार्ट फील नर्वस. Someone is asking this question. Very good question. Yes, this kind of things are happening. What I personally advise that fear of failure always lead us to a failure, right? तो सबसे बड़ी चीज, आपको जो चीज से डर लगता है वही चीज आपको अगेन एंड अगेन करनी है. यू आर सपोज टू अपियर अगेन एंड अगेन फॉर द मॉक इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ सम आईपीएस आईएएस, टेक द अपॉइंटमेंट, टेक द टाइम, राइट, एंड कपल ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स यू अपियर एंड ट्राई टू रिवाइज
among yourself that what corrections, what improvements you need. And mind it, the seer is an absolute perfect seer, ke bhai, practice makes man perfect. ये फियर क्यों है, आपको फियर क्यों है, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही बात चलती रहती है कि इधर सामने वाले मेरे से इम्प्रेस होगा कि नहीं होगा, कन्विंस होगा कि नहीं होगा, तो आप मॉक इंटरव्यू देते ही रहिए. आप आई एम पर्सनली एडवाइजिंग यू गो फॉर मॉक इंटरव्यू. वसीम अपरम इज आस्किंग इंडियन फॉरेन सर्विसेज की पढ़ाई कैसे करें, कैसे किसे बारे में कुछ बता दो और स्टार्टिंग कैसे करनी है सर, प्लीज़ बता दो. सो इसके बारे में मैं एक ही बताऊंगा कि वंस यू आर डिसाइडेड तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका विज़न क्लियर है, आपका मिशन क्लियर है, आपको दिमाग में आ गया कि मुझे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए करना है, फिनिश. अब हम लोग वो पुराने ज़माने में नहीं है कि कोई कुछ बता देगा और मैं आगे बढ़ जाऊँगा. नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ लिटरेचर, नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन आवर टिप ऑफ टंग, टिप ऑफ यू नो फिंगर. तो गो थ्रू एंड देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम. समवन इज आस्किंग सर 12th में 59% है सो प्रॉब्लम हो नहीं होगी ना यूपीएससी में परसेंटेज को लेके. अरे भाई 12th में 59% थे, दैट वॉज योर पास्ट. As your age is increasing with the number, right, it is not a constant. Your 59% was the history, right. तो आप आपको जो yes, आपको आपका खुद का कैलिबर देखना है, इंप्रूव करना है. Nothing wrong, you can go ahead. Some of the questions I will be taking. Now I will be addressing for next 5 minutes. Let me find some good question. Yeah, someone is writing, sir, 3 years of BSc with math stream is enough for cleaning UPSC or we need more years. No, no, it's more than enough. Yeah, rank pe dependent karta hai. या समवन इज कीप आस्किंग मी रिगार्डिंग इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लिए क्या मटेरियल. आई ऑलरेडी टोल्ड यू समवन इज राइटिंग यूपीएससी का बुक लिस्ट. समवन इज सेकंड ईयर बीए स्टूडेंट इज देयर. सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस. या someone is asking कि इतना इनफ है कि नहीं है. नो नो someone is asking कि मेरे को करंट अफेयर डेली पढ़ना चाहिए. तो what I personally see, it's up to you, but it is advice that while we are preparing, तो आपको बहुत कुछ चीजें मैनेज करनी होती है. तो आप जो पर्सनल अफेयर्स है, सॉरी जो करंट अफेयर्स है, तो उसके लिए द वे हाउ इन माई सेशन इट्स एल्फ आई टोल्ड कि आप हाँ तो आप जो क्या उसको बोलते हैं, मैं आई एम जस्ट रीडिंग द मैसेज साइमल्टेनियसली. डेली सॉरी मंथली डाइजेस्ट आर कमिंग रिगार्डिंग द करंट अफेयर्स, तो वो पूरा कंबाइंड वॉल्यूम रहता है, तो आप उसी को कर लो. तो आपको डेली उसके पीछे जो उसको बोलते हैं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. स्टिल देर आर एन मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस.
आई एम स्टूडेंट ऑफ बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम मुरादाबाद उत्तर प्रदेश सर आई वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी टेल मी समथिंग अबाउट द टॉपिक्स एंड नोट्स प्लीज फाइन सो इट्स नॉट लाइक दैट नोट्स या नोट्स यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अलोंग विथ योर जर्नी जैसे आप प्रीलिम के लिए तैयारी कर रहे हो वहीं से आपको नोट्स बनानी है ठीक है जो कुछ भी आपको चीज़ें अच्छी लगे उसको बनाते जाए और या रिविजन इज समथिंग वॉट यू हैव टू डू सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जीपीएससी या जीपीएससी के लिए भी सेम थिंग है लेकिन थोड़ा लेवल कम होता है यूपीएससी जितना टफ नहीं रहता है सर व्हेन वेयर कैन आई स्टार्ट यूपीएससी या आई एम बैड इन मैथ्स साइंस आई कैन यू कैन पास बस थोड़ा मैथ साइंस सही कर लीजिए आप सर हिस्ट्री यस यस सो आई फील देर आर सो मेनी क्वेश्चंस एंड आई फील वी शुड नाउ वी शुड नाउ स्टॉप व्हाट कैन से दिस सेशन थैंक यू गाइस थैंक यू वेरी मच for attending this session here I would like to yes thank you all and we can have a series of sessions if you wish you may give your requirements on which topic we should discuss Yeah, someone is suggesting me take a session again. Yeah, we can take the session again and again. Nothing wrong in that. Definitely, I am sure enough that you must have enjoyed this session. Thank you all. Thank you everybody for attending my live session.